यदि तुम ये सोचो कि मैं जो भी सोच रहा हूँ कर रहा हूँ, आज से 10 साल बाद अगर पीछे मुड़कर देखूँगा तो मुझे कैसा लगेगा? कहीं मुझे पछतावा तो नहीं होगा? अगर तुम्हें पछतावा होगा तो इसका मतलब है तुम गलत सोच रहे हो। अगर तुम्हें पछतावा नहीं होगा तो इसका मतलब है तुम सही सोच रहे हो। और अगर तुम्हें लगता है प्राउड फील होगा तो इसका मतलब है तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, बिल्कुल सही सोच रहे हो। एक दिन में 24 घंटे 1440 मिनट और 86,400 सेकंड आते हैं। इसका एहसास रोज़ खुद को दिलाते रहना और तुम पाओगे कि अपने आप तुम्हारा मन फिजूल की बातों, फिजूल के कामों में नहीं लगेगा, क्योंकि अब मन के पास एक लक्ष्य होगा कि आज का दिन मुझे ऐसे ही नहीं बीतने देना है। ये समय ही है जो किसी को उठाता है, किसी को गिराता है। बस इतना है कि उठने वालों ने समय की अहमियत को जाना और गिरने वालों ने समय का मूल्य ना पहचाना। चलो माना कि ज़िंदगी में बहुत गम है, लेकिन देखो अभी भी समय तुम्हारे पास कहाँ कम है। मत मायूस हो ये सोच के कि मेरा समय जा रहा है, आज गया जो सूरज देखो कल फिर से आ रहा है। अपने आप को समय के सहारे मत छोड़ना, खुद का सहारा बनो और समय तुम्हारे साथ होगा। आज अगर चिंता में वक्त दोगे, कल वक्त नहीं है इसकी चिंता करोगे। वक्त की अहमियत अगर आज नहीं समझोगे, याद रखना कल वक्त तुम्हारी अहमियत नहीं समझेगा। जो कुछ नहीं करना चाहते दूसरों को भी नहीं करने देते, उनकी बातों से कभी घबराना नहीं। लोगों का क्या है वो तो कहते ही रहेंगे। कुछ करो कि कम से कम कल ये याद रखो आज तुमने कुछ किया था। जिंदगी सिर्फ सोचने में ही मत बिता देना, चिंता से चिंतन और चिंतन से एक्ट जरूरी है। अपने दुख को अपने डुबोने का जरिया ना बनाना, अपने दुख की शक्ति अपने काम में लगाना। ये माना कि आज गम भरी रात है पर आगे सवेरा है, ये क्या कम बात है? कल क्या हुआ था, अच्छा या बुरा, उससे अपने आज पर फर्क मत पड़ने देना। तुम कल भी चले थे, आज भी चलना है। तुम कल भी तपे थे, आज भी तपना है। बस इसी तरीके से तुम समय की बराबरी कर सकते हो। सफलता तो आती ही है जब मेहनत शोर मचाती है। अफसोस मत करना कि आज का दिन गुजर गया, बल्कि आने वाले कल की तैयारी रखना, ताकि कल तुम फिर से अफसोस न कर सको। समय कोई तूफान नहीं जो आया और चला गया। समय उस आकाश की तरह है जो हरदम देखा करता है। समय गुजारने के लिए कुछ मत करना, बल्कि गुजरते हुए समय से चलने की सीख लेना कि नाकामी के दिन हो तो भी मेहनत करते रहना है और कामयाबी मिलने पर भी अपने फोकस को हटने नहीं देना है। ये मत देखो कि क्या कर लिया, बल्कि ये देखो क्या किया जाना बाकी है। तुम्हारी प्रतिस्पर्धा सिर्फ तुमसे है, बस इतना याद रखना। कल से आज कम से कम 1% बेहतर रहना और बस इसे ही दोहराते रहना, यानी रोज़ बेहतर से बेहतर होते जाना। जितनी भी मुश्किलें आएँ, जैसी भी परेशानियां आएँ, टूटना मत, बिखरना मत, बस इतना याद रखना वक्त सब ठीक कर देता है। किसी से दुख मिल जाए, कोई अपमान कर दे, कोई गिराने का प्रयास करे, बस चलते जाना, अपना काम करते जाना, क्योंकि जिन्हें तुम जवाब नहीं देते उन्हें वक्त जवाब देता है। वक्त की कदर वक्त पर कर लो, वरना वक्त बुरे वक्त में बदल जाता है। वक्त जो गुजर रहा है उसे यूं ही ना गुजार देना, आज कर्म करके अपना आने वाले कल को सवार लेना। सुख के दिन बीत जाते हैं, दुख की रात गुजर जाती है। आज तुम्हारा है मत खोना, जिंदगी यही गीत गाती है। शाम होते होते सूरज भी ढल जाता है, कितना भी बुरा वक्त हो बदल जाता है। तटस्थ रह के अपना काम करते रहिए। बुरा दौर जिंदगी का होता है, वक्त का नहीं। हर रोज़ कम से कम 5 मिनट स्वयं को दें, जिससे आप ये सोच सकें कि गलत हो रहा है या सही, जिससे आप ये सोच सकें कि आपकी सोच सही ट्रैक पर है या नहीं।